हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवीएस क्लासेस। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि एसएससी 2024 स्टेनोग्राफर की तैयारी कैसे करें, टाइम आपके पास कितना बचा हुआ है, फॉर्म आपका आ चुका है, तो जो लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी अभी तक नहीं स्टार्ट किए हैं या रिटन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इस वीडियो में सारी चीज़ें आपको शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ बताऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है और कैसे सिलेक्शन इसमें लेना है, रिटन की तैयारी कैसे करें, शॉर्ट हैंड की तैयारी कैसे करें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन बच्चों की जो शॉर्ट हैंड ऑलरेडी कई दिनों से कर रहे हैं। तो क्या ऐसे फेज पे जब आपका रिटन का एग्ज़ाम आ गया है तो आपको शॉर्ट हैंड ब्रेक करना है या नहीं करना है? बहुत सारे गार्जियंस भी ऐसे होते हैं जो कि बच्चों को शॉर्ट हैंड छुड़वा देते हैं ऐसे टाइम पे, तो उनके लिए भी मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपका लड़का शॉर्ट हैंड कर रहा है तो आपको ब्रेक नहीं कराना है। आपकी स्पीड अगर मेंटेन है तो आप रेगुलर एक घंटे की क्लास करके भी, आप डेली 2 से 4 मैटर लिखे, आपकी स्पीड मेंटेन रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद अचानक से आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है, और आपकी स्पीड जो है वो मेंटेन रहेगी, बढ़ती रहेगी, तो आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। तो ये उन बच्चों के लिए है जो कि शॉर्ट हैंड बहुत दिनों से कर रहे हैं, तो उनको शॉर्ट हैंड ब्रेक नहीं करनी है, ठीक है, रिटन की तैयारी करनी है, बट आप एक घंटे की क्लास कर सकते हैं। सेकंड, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो अभी शॉर्ट हैंड स्टार्ट भी नहीं किए हैं बट रिटन उनका बहुत अच्छा है और वो पहले भी एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। अगर वो स्टेनो में आते हैं और पेपर देना चाहते हैं तो अभी आपके पास 4 महीने का टाइम है, ऑलमोस्ट 4 महीने आपको मिल जाएगा, दिसंबर लास्ट में या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम होता है, तो 4 महीने में भी आप शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, बट आपको मेहनत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है, जितना कम टाइम उतनी मेहनत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने में नहीं सीख सकते या 4 महीने में भी नहीं सीख सकते, बहुत लोग 1.5-2 साल में भी नहीं सीख पाते हैं और बहुत लोग 4-6 महीने में भी सीख लेते हैं, तो अपनी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बट हाँ एक इसका प्रोसेस होता है, उसको कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे तब आप कम टाइम में कर पाएंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि शॉर्ट हैंड सीखने के लिए आपको सबसे पहले शॉर्ट हैंड का बेसिक करना होता है, जो कि कम से कम 1 महीने या 3 महीने या बहुत ज़्यादा अगर आप टाइम लेते हैं तो 4 से 5 महीने या मैक्सिमम 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा अगर आपका बेसिक में लग रहा है इसका मतलब आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, 6 महीने से ज़्यादा बेसिक में नहीं लगना चाहिए। इसके बाद आपको जनरल मैटर लिखना है, फिर लीगल मैटर लिखना है और एग्ज़ाम देना है। तो आपके पास अभी टाइम है, एग्ज़ाम अभी दे सकते हैं या अभी से भी तैयारी शुरू करके चांसेस आपके हैं कि आप शॉर्ट हैंड पेपर क्वालिफाई कर सकते हैं। रिटन का एग्ज़ाम जिनका नहीं निकला है या जो फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हैं उनको रिटन पे ज़्यादा फोकस देना है, इसके बाद उनको शॉर्ट हैंड करना है, मतलब कंटिन्यू रखना है बट फोकस जो है वो रिटन पे ज़्यादा देना है। रिटन की वीडियोस में बहुत जल्दी लेके आऊँगा कि रिटन की तैयारी कैसे करें, इंग्लिश रीजनिंग और जीएस किस तरह से आप पढ़ें कि आप पेपर क्वालिफाई कर सकें, या जो लोग पहले भी पढ़ रहे हैं वो इस 3-4 महीने में कैसे किस तरह से पढ़ाई करें। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।